नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तो आखिरकार गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ को आखिरकार दिल्ली के दरबार में जाकर हाजिरी लगानी ही पड़ी, दिल्ली के दरबार में पेश होना पड़ा। और पेश होकर के सीधे सीधे सबसे पहले पहुंचे अमित शाह के पास में। अमित शाह के पास पहुंचने का भी एक खास राज है। और इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने, यह कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने आज उनको मिलने का समय नहीं दिया। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी से मिले और कल जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ झुके क्यों? क्योंकि कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले जाएंगे लेकिन दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाएंगे। लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा, दिल्ली दरबार में भी जाना पड़ा और दिल्ली दरबार में जाकर सबसे पहले अमित शाह के सामने पेश होना पड़ा। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। तो समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार भी इसी ट्वीट में जताया गया है। यह इसलिए है क्योंकि जेपी नड्डा ने समय नहीं दिया। जेपी नड्डा कल मुलाकात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दोनों की ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ को बैठना पड़ा अमित शाह के सामने। यह इसलिए हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक थे वो लगातार कह रहे थे कि मोदी के बाद में योगी। तो ये सबसे ज्यादा नारा किसी को चुभ रहा था तो नारा चुभ रहा था अमित शाह ने कहा कि हम यहां पर कोई मटर छीलने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ऐसे ही नरेंद्र मोदी के पीछे झंडा बुलंद नहीं कर रहे हैं, आपको हमसे पार करना पड़ेगा। और इसीलिए जो है ये पहली तस्वीर। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह आज हरे रंग के कुर्ते में थे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि खली और बलि के बीच में है बजरंग बलि। और ऐसे में समाधान की एक पुस्तिका सौंपी जा रही है तो क्या समाधान इतना आसान है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने समय मांगा था जेपी नड्डा से, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज अमित शाह ने मुलाकात की अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की। और ये ट्वीट अमित शाह ने खुद से ट्वीट किया, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल से की भेंट। तो आज जो है खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ मुलाकात की है उन्होंने और उत्तर प्रदेश के अंदर। इस मुलाकात के पीछे सबसे बड़ी चेहरे, सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा चेहरा है ये चेहरा, अरविंद शर्मा एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, नरेंद्र मोदी के खासम खास, नरेंद्र मोदी के करीब है। और नरेंद्र मोदी ने इनको लखनऊ भेज कर के पार्टी में शामिल करवाया। और अब दिल्ली दरबार चाहता है कि लखनऊ में सरकार के ऊपर अरविंद शर्मा के जरिए कंट्रोल पाया जाए, योगी आदित्यनाथ के जरिए कंट्रोल पाया जाए। और जो नारा बार बार बुलंद किया जाता है कि मोदी के बाद योगी, उस नारे को भी ध्वस्त किया जाए, यह दिल्ली दरबार चाहता है। और इसीलिए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दिल्ली दरबार चाहता है कि अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम बनाए और साथ ही साथ में गृह मंत्रालय भी उन्हीं को सौंपे। यह बड़ी खबर है और इसी को लेकर के सारी खींचतान इसी के इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। भले ही मीडिया में जो है वो दिखाया जा रहा है कि सब कुछ जो है वो सही है, केवल ये शिष्टाचार की भेंट है, मीडिया में तो यहां तक भी दिखाया जा रहा है कि किसको कहां पर रखा जाए, सबका साथ सबका विकास कैसे किया जाए, ये जो है वो तय किया जा रहा है। लेकिन ये तय नहीं किया जा रहा, तय ये किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आपको कितने पर खोलने हैं। आप अभी उतने बड़े नहीं हैं कि मोदी के बाद में योगी आप ये नारा बुलंद करवाए, ये बड़ी बात है। और सीधे अरविंद शर्मा को आपको डिप्टी सीएम बनाना होगा और गृह मंत्री बनाना होगा, ये भी कहा जा रहा है। और इससे पहले जब राधा मोहन ने मुलाकात की थी राज्यपाल से, उस वक्त में जो बंद लिफाफा दिया था, तब हमने खबर आपको दिखाई थी और हमने तभी कहा था
कि राधा मोहन सिंह ने 100 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर का एक चिट्ठी राज्यपाल को दे दी है और साथ ही साथ स्पीकर को दे दी है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ये हिम्मत दिखाते हैं कि वो विधानसभा को भंग करें, तो ऐसे में दिल्ली दरबार के पास में रास्ता है, मोदी शाह के पास में रास्ता है कि वो 100 विधायकों वाली वो चिट्ठी सीधे सीधे सामने रख दे और योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज कर दे। ये सारी बातें जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो आखिरकार उनको भागे भागे दिल्ली पहुंचना ही पड़ा। दिल्ली पहुंच करके शरण ली है और अब दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अपने आप में बता रहा है कि उनका कद क्या है, उनका कद क्या है। और इसीलिए जो है आरएसएस की भी इससे पहले मीटिंग हो चुकी है। आरएसएस ने कहा है कि वो लखनऊ के अंदर डेरा डालेगी और चुनाव से पहले आरएसएस अपनी खुद के एक सर्वे भी करवाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तमाम खबरें आ रही है। तो बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से सरेंडर करने के मूड में पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरेंडर करने जा रहे हैं, यह साफ दिख रहा है। जो योगी आदित्यनाथ की अकड़ 3-4 रोज पहले नजर आ रही थी, वो अकड़ कमोबेश अब नहीं है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होगी, तब शायद नरेंद्र मोदी पूछेंगे कि आपको मोदी के बाद योगी वाले नारे में जो है वो दिलचस्पी है या आपको उत्तर प्रदेश में ही रहने में दिलचस्पी है। और यहीं से जो है वो योगी आदित्यनाथ का भविष्य फिर तय होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, आरएसएस है, दूसरी तरफ विपक्ष कहां पर है? इतने सारी खींचतान के बीच में आरएसएस की मीटिंग हो रही है लखनऊ के अंदर, आरएसएस फीडबैक दे रही है दिल्ली के अंदर, उसके बाद में दिल्ली पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तमाम समीकरण जो है वो बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में विपक्ष कहां है, यह भी एक सवाल उतनी ही मजबूती से पूछा जाना चाहिए। विपक्ष अपने एसी कमरों से कब बाहर निकलेगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार मजबूत सरकार है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से सरकार जो है वो खिंची खिंची नजर आ रही है, ये सब आप देख रहे हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर कौन हाजिरी लगा रहा है, किसकी बैठकें हो रही है। लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब आपका शत्रु इस समय पर कमजोर नजर आ रहा है तो उस पर चोट करने की बजाय अभी भी आप एसी कमरों में हैं। इसमें चाहे मायावती की बात करें, अखिलेश की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तमाम विपक्ष के नेता, उनको इस समय पर डट करके जो है वो सड़कों पर उतरने की प्लान बनाने चाहिए, अपनी मीटिंगें, अपना दौर जो है वो शुरू करना चाहिए, तभी जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब ध्वस्त करेंगे। और सरकार में जिस वक्त में अब सरकार सबसे कमजोर नजर आ रही है, उस वक्त में चोट करना भी जरूरी है अगर आपको सरकार बनाने में दिलचस्पी है तो, वरना इसी तरह से ये खींचतान चलती रहेगी। अगर आप बैठे रहेंगे तो जनता विकल्प तो जरूर तलाश रही है, लेकिन जनता के सामने जब आप विकल्प के रूप में मजबूती से कोई गठबंधन करके या अलग से किस तरह से निकलेंगे वो रणनीति जब तक जनता के सामने नहीं रखेंगे तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा और उस कंफ्यूजन का फायदा फिर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को मिल जाएगा। इस बात को कहने में भी कहीं पर कोई दोराय नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी लगाई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के पर अब कतर दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ केवल लखनऊ तक सीमित कर दिए जाएंगे, या योगी आदित्यनाथ को चेहरे को ही बीजेपी अब बदलने की तैयारी कर रही है? ये तमाम सारे सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।